नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। कहानी काबुल की, जी हां, उस काबुल की जहां पिछले 20 साल से अमेरिकी फौज की मदद से एक ही सरकार चल रही थी। आज वही काबुल तालिबान की वापसी का गवाह बना है। 20 साल पहले जिस तालिबान को अमेरिका ने अफगानिस्तान से खदेड़ दिया था, उसी तालिबान ने काबुल की सड़कों से लेकर राष्ट्रपति निवास तक कब्जा कर लिया है। काबुल में भारी अफरा तफरी है, देश छोड़ने के लिए लोगों का हुजूम एयरपोर्ट पर जमा है। ये काबुल का हवाई अड्डा है। तस्वीरें देखकर हैरान होंगे। लोगों की ऐसी भीड़ अमूमन पर्व त्योहार के मौकों पर बस अड्डों और रेलवे स्टेशनों पर ही दिखाई देती है। तस्वीरें देखिए, लोग किस तरह विमान पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। लोगों की भीड़ के बीच से फायरिंग की आवाजें भी आ रही हैं। फायरिंग किसने की, इसे लेकर कई तरह की अटकलें जारी हैं। इस तस्वीर को देखिए, हवाई अड्डे पर एक विमान खड़ा है। विमान के पास लोगों का हुजूम है और लोगों के आने का सिलसिला जारी है। इस तस्वीर को देखिए, एरो ब्रिज पर किस तरह लोग लदे हुए हैं। इस तस्वीर को देखकर आपको दिल्ली के किसी रेलवे स्टेशन के फुट ओवर ब्रिज की याद आ जाएगी। सीढ़ियों पर पांव रखने की जगह नहीं। इस शख्स को देखिए, किस तरह सीढ़ियों से लटका हुआ है। इसी तस्वीर को अब दूसरे कैमरे से देखिए। एयरो ब्रिज में लोगों की भीड़ सिहरन पैदा कर रही है। भीड़ का ये मंजर रेलवे स्टेशन और बस अड्डे की भीड़ को भी मात दे रहा है। सोशल मीडिया में वायरल हो रही इस तस्वीर को देखिए। ये सुबह की तस्वीर है। लोग देश छोड़ने के लिए काबुल हवाई अड्डे पर पहुंचे हैं, लेकिन इतनी भीड़ और अव्यवस्था के बीच विमान उड़े तो कैसे। थके हारे कई लोग हवाई अड्डे पर ही बैठ गए। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस तस्वीर को देखिए। ये देर रात की तस्वीर है। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि हवाई अड्डे पर दो विमान उड़ान भरने के लिए खड़े हैं और विमान के पास लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि लोगों के आने का सिलसिला जारी है। ऐसा लगता है कि मानो काबुल का हर रास्ता एयरपोर्ट की तरफ जाता है। 20 साल पहले के तालिबान का खौफ लोग भूले नहीं हैं। उसी खौफ में लोगों की भीड़ कल से एयरपोर्ट पर उमड़ रही है। अब जरा काबुल की सड़कों की तस्वीर देख लीजिए। तालिबानी आतंकी सड़कों पर खुली गाड़ियों में हथियारों के साथ गश्त कर रहे हैं। हालांकि इस वीडियो में आम लोग बेफिक्र नजर आ रहे हैं। This is the Afghanistan area. You see in a video the Taliban members and some journalists come here for the making the report of the TV and all of their the Taliban members. This car and some other government car now captured by the Taliban soldiers. This is Taliban and group of Emirat Islami. This place is the Afghanan near to presidential place, near to the presidential. इन तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि आवाजाही सामान्य है, हालांकि दुकान और प्रतिष्ठान बंद नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों को देखिए, काबुल की सड़कों पर बख्तरबंद गाड़ी में तालिबान आतंकी सवार हैं और लोग उन्हें चीयर कर रहे हैं। लोगों की भीड़ उनके पीछे भाग रही है।
काबुल की सड़कों की ये तस्वीरें कल दोपहर की हैं। जैसे ही तालिबान के काबुल पहुंचने की खबर आई, लोग घर छोड़कर भागने लगे, जिससे सड़कों पर जाम लग गया। ये तस्वीरें इस बात की मुनादी कर रही हैं कि अफगानिस्तान में पूरी तरह तालिबान का राज आ चुका है। सत्ता हस्तांतरण महज औपचारिकता है। आज तक ब्यूरो। काबुल की कहानी का हवाई अड्डे और सड़कों वाला चैप्टर तो आपने देख लिया। काबुल के सत्ता के गलियारे की कहानी सुनिए। काबुल की सत्ता का केंद्र प्रेसिडेंशियल प्लेस तालिबान के पूर्ण नियंत्रण में आ चुका है। तालिबान के डर से राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़ चुके हैं। अफगानिस्तान पर तालिबान के कंट्रोल को लेकर जो भी शक सुबह था, वो इस तस्वीर के आने के बाद खत्म हो गया। ये तस्वीर है काबुल स्थित अफगानिस्तान के राष्ट्रपति भवन की। ये कल सुबह तक अफगानिस्तान राष्ट्रपति अशरफ गनी का आशियाना था, लेकिन अब इस पर तालिबानी आतंकियों का कब्जा है। तालिबान की एंट्री की आहट लगते ही गनी अफगानिस्तान छोड़ चुके हैं। तस्वीरें देखिए। जिस प्रेसिडेंशियल पैलेस में गनी कभी मंत्रिमंडल की बैठक लिया करते थे, दुनिया भर के नेताओं की अगवानी किया करते थे, वहां तालिबानी आतंकी अब अफगानिस्तान की किस्मत तय करने के लिए रणनीति बनाते नजर आ रहे हैं। 2001 में जिस तालिबान को अमेरिका ने खदेड़ दिया था, वो फिर मजबूती से लौट आया है। अफगानिस्तान के आखिरी गढ़ प्रेसिडेंशियल पैलेस पर कब्जा इस बात का सबूत है। सवाल उठता है कि अपने देशवासियों को अधर में छोड़कर कहां भाग निकले अशरफ गनी। खबर है कि वो ताजिकिस्तान में है, हालांकि इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं है। हालांकि उन्होंने एक पोस्ट के जरिए इस बात की सफाई जरूर पेश की है कि वो अफगानिस्तान को छोड़कर क्यों भागे। गनी ने कहा, अगर वो अफगानिस्तान में रुके होते तो बड़ी संख्या में लोग देश के लिए लड़ने आते, ऐसे में वहां भारी तादाद में लोगों की जाने जाती, इस लड़ाई में काबुल शहर पूरी तरह बर्बाद हो जाता। गनी ने आगे लिखा कि अब तालिबान जीत चुका है, अब तालिबान ही अफगान लोगों के सम्मान, संपत्ति और सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। काबुल में तालिबान के घुसते ही तालिबान के राजनीतिक कार्यालय का प्रमुख मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर काबुल आ चुका है। बिरादर को अफगानिस्तान के भावी राष्ट्रपति के रूप में देखा जा रहा है। अफगानिस्तान मुसलमान मिलत فتح مبارکی وایو، خصوصا د کابل شاریانو او اوسیدونکو ته، او ورپسې خپلو مجاهدینو ته دا توصیه او وړاندیز کوو چې موږ تاسو دغه حال ته ورسېدو چې هغه هیڅ توقع د دې نه کېده چې په دغه رقم به موږ په افغانستان کې کامیابه کېږو. خو دا د الله پاک نصرت او مدد و چې الله پاک دغسې فتوحات او دغسې کامیابیان چې په دنیا کې یو مثل نسته نن ورځ زموږ تاسې پر لاس باندې راوستلې. اس بیچ افغانستان میں ستہ ہستانترن کی تصویریں صاف ہونے لگی ہیں. پورو راشٹرپتی حامد کرزئی کے سوشل میڈیا میں پوسٹ کیے گئے ایک بیان کے مطابق ستہ ہستانترن کے پربندھن کے لیے ایک سمنوے پریشد کا گٹھن کیا گیا ہے. پریشد کا نیتریتو ہائی کاؤنسل فور نیشنل ریکنسیلیشن کے پرمکھ عبداللہ عبداللہ، حزب اسلامی کے پرمک گلبدین حکمتیار اور وہ خود کریں گے. جس طالبان کو امریکی سینک 20 سال تک دور رکھے ہوئے تھا، وہی طالبان امریکی سینکوں کے ہٹتے ہی پورے افغانستان پر قابض ہو گئے. یہ حیرت انگیز ہے، لیکن اب یہی سچ ہے. دلی سے گیتا موہن کے ساتھ آج تک بیورو. अफगानिस्तान में तालिबान के आने के बाद भागम भाग मच गई है. आम लोगों के साथ सांसद और राष्ट्रपति के सलाहकार तक देश से भाग निकले. महिलाएं खासतौर पर खौफजदा हैं. उन्हें फिर से जुल्म और दरिंदगी का डर सताने लगा है. I can't believe the world abandoned Afghanistan. Our friends are gonna get killed. They're gonna kill us.
इस महिला के आंखों के रास्ते अफगानिस्तान का दर्द छलक आया। तालिबान को लेकर आम अफगानियों में जो खौफ है उसे बयां करते करते रो पड़ी ये महिला। I can't believe the world abandoned Afghanistan. Our friends are going to get killed. They're going to kill us. Our women are not going to have any more rights. And that's all. I can talk another day. ये आंसू यूं नहीं छलक आए। अफगानी लोगों में खासकर महिलाओं में तालिबान को लेकर क्या खौफ है इसे जानने के लिए दिल्ली में मौजूद इस अफगानी लड़की को सुनिए। गलत काम क्यों नहीं होता है? पहले वो लोगों लड़कियों को मरता है, ज़बरदस्ती से शादी करता है, उसके अंदर जो वो पूरा बुरका है उसको डालता है, घर के बाहर जाने नहीं देता है। अफगान मूल की लड़की अरफा अफगानिस्तान के मजार शरीफ की रहने वाली है। अरफा का कहना है कि परिवार से उसकी बात हुई है, सभी महिलाएं डरी हुई हैं। फिलहाल आपकी फैमिली में कौन है वहाँ अफगानिस्तान में? वहाँ बहुत है, जैसे मेरे सब मेरी फैमिली वहाँ पर है, मैं अकेला हूँ यहाँ पे। तो किसी फीमेल से आपकी बात हुई अभी वहाँ पर? हाँ। क्या बोल रही थी, क्या डरी हुई थी? हाँ, फीमेल भी अभी घर पे है, बाहर नहीं जाया। कोई फीमेल बाहर नहीं? नहीं, जो बुद्धा लोग हैं वो लोगों बाहर जाता है, जो यंग लोगों हैं उसके फादर मदर बोले बाहर मत चलो क्योंकि यंग लोगों के बाहर बहुत डेंजर है, क्योंकि मैं अगर लड़की है उसको लेके जा सकता है, मतलब ज़बरदस्ती से शादी कर सकता है और उसको कुछ भी कर सकता है लड़कियों के साथ। दिल्ली में अफगानिस्तान के लोगों की अच्छी खासी तादाद है। अपने वतन पर तालिबान के कब्जे से लोग यहाँ सहमे हुए हैं। इंडिया आए कितना दिन हो गया? 6 हफ्ता। 6 हफ्ता। और किस लिए आए थे आप लोग? ट्रीटमेंट के लिए। आप दोनों एक ही फैमिली से हैं? मुश्किल हमारे लिए बहुत ज़्यादा है कि मैं पढ़ाई नहीं कर सकता, बाहर नहीं जा सकता, और मैं बोलता कि इधर रह लूँ वापस जाऊँ तो मुश्किल ज़्यादा है। अभी ऐसे तो पूरा सालों पहले भी, 20 साल पहले भी बहुत प्रॉब्लम था लेडीज़ के लिए, जवानों के लिए भी था। ये हसीबुल्ला है, 4 साल पहले चले आए थे अफगानिस्तान छोड़ करके, जलालाबाद के पास रहते थे, फिर काबुल चले गए, यूएस आर्मी के साथ कुछ समय काम किया और जब तालिबान इनके पीछे पड़ गया तो रिफ्यूजी बनकर वो हिंदुस्तान चले आए। ये दो महिलाएँ अफगानिस्तान की रहने वाली हैं, यहाँ पर इलाज के लिए आई थी, ज़्यादा समय नहीं हुआ है और अब इन्हें वतन वापस जाना है। दरअसल मुश्किल ये है कि वहाँ पूरा परिवार है, भाई हैं, बहन है, माता पिता हैं और अब उनके जान की फिक्र है। इन सब की चिंता समझी जा सकती है। जब किसी देश का सांसद, यहाँ तक कि राष्ट्रपति का सलाहकार भागने को मजबूर हो तो फिर आम आदमी की क्या बिसात। कल रात इंडियन एयरलाइंस के विमान से काबुल से 129 लोग दिल्ली पहुंचे हैं। इन लोगों में आम अफगानियों के साथ अफगानिस्तान के सांसद से लेकर कल तक अफगानिस्तान की सत्ता में काबिज राष्ट्रपति अशरफ गनी के सलाहकार भी शामिल थे। सबके चेहरे पर चिंता और अनिश्चितता के भाव, मालूम नहीं अफगानिस्तान का क्या होगा। ये एडवाइजर हैं अफगानिस्तान के जो प्रेसिडेंट हैं उनके। सर मुझे ये बताइए कि वहाँ पर किस तरह की स्थिति है, वहाँ पर क्या तस्वीरें आप लोगों ने देखी? बुरी तरह से तस्वीर हमने देख लिया था। एक महीने से जो ये वायलेंस, ये लड़ाई हुआ था, तो आज जो हम आपने महबूब वतन से हम निकला तो बहुत बुरा तस्वीर हमने देखा। अफगानिस्तान में क्या होगा? जो लोग वतन छोड़ने को मजबूर हुए वो फिर अपने घर कब लौट पाएंगे? तमाम सवाल इन सब के जेहन में हैं। पंकज जैन और अरविंद ओझा के साथ आशुतोष मिश्रा, दिल्ली आज तक। रुकना होगा यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर इस खास पेशकश के साथ। टिकते रहिए आज तक।